नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। एक ऐसा किसान भी जो परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए बना रोल मॉडल। जी हां, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बेजलपुर का उन्नत किसान राकेश सिहाग। मिश्रित एवं प्राकृतिक व जैविक खेती कर किसान राकेश ने कमाए 50 लाख रुपये सालाना। इस समय राकेश सिहाग 0 बजट खेती कर रहे हैं और इस खेती के लिए राकेश सिहाग ने छोड़ दी है 40,000 रुपये प्रति महीना सिविल इंजीनियरिंग की सरकारी नौकरी। और उसके बाद परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं राकेश सिहाग। लोग अनुसरण कर अपनी खेती का स्वरूप बदल रहे हैं। राकेश सिहाग के सपनों को भी पंख लग चुके। आप देख रहे हैं पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की यह विशेष रिपोर्ट। कहते हैं इंसान के मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, वह अपनी मेहनत और लगन से उसे मुमकिन बना सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव बेजलपुर के राकेश सिहाग ने। इस युवक ने सिविल इंजीनियरिंग करके 40,000 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इससे युवा किसान राकेश सिहाग को संतुष्टि नहीं मिली। किसान का मन कुछ नया कर गुजरने को था, इसलिए उसने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे करके अपने पैतृक गाँव आकर खेती शुरू कर दी, वह भी नई तकनीक से। राकेश ने रासायनिक प्रक्रिया की बजाय जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिसे 2 एकड़ में इस खेती का प्रयोग शुरू किया। जब मुनाफा मिलने लगा तो अब इसने पूरे 9 एकड़ में ये खेती शुरू कर दी है। इस जाबाज युवक की परंपरागत खेती की बजाय ऑर्गेनिक खेती को देखने के लिए तथा उसे अपनाने के लिए दूर दूर से किसान आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसने ऐसा क्या तजुर्बा अपनाया। इस होनहार युवक ने जब इस बारे में उसके खेतों में आकर के जब बातचीत की गई तो राकेश ने बताया कि नौकरी में केवल व्यक्ति निश्चित वेतन हासिल कर सकता है, जबकि अपना कोई भी धंधा बना करके वह अपनी आय को और मेहनत करके और अधिक बढ़ा सकता है, यानी कई गुना बढ़ा सकता है। इस जज्बे ने सिविल इंजीनियर होने के बावजूद उसे नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया। वह अपने घर बेजलपुर लौटा तथा आकर के उसने अपनी खेती में नयापन लाने की कोशिश की। उसके खेत में उपजी हुई सब्जियां और फल दुगने रेट में बिकने लगे, क्योंकि वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक उत्पाद थे। उसे बाजार में बेचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बल्कि उसके लोग घर तक और खेत तक आकर के महंगे रेटों में लौकी, करेला, तोरी आदि सभी तरह के फल और फ्रूट खरीदने लगे। बाजार में आसानी से 10 रुपये किलो के हिसाब से गोभी मिल जाती है, लेकिन यहाँ आकर के लोग 20 रुपये किलो तक भी खरीद रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत राकेश सिहाग से, जो एक प्रगतिशील किसान हैं, और देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश सिहाग है और मैं गांव बैजलपुर का रहने वाला हूँ। और पहले मैंने 2010 में सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद मैंने जॉब की, 5 साल मैंने जॉब की सिविल इंजीनियर की, 3 साल साइट इंजीनियर की, 2 साल बिल्डिंग इंजीनियर में काम किया। वहाँ पे पेमेंट भी मेरे को 40,000 रुपये मंथली मिल रहा था, पर उससे भी हम मतलब कोई बिजनेस करना चाहते थे जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। और इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 2016 में नौकरी छोड़ के मैंने सिविल इंजीनियर की, और सबसे पहले हमने हिसार सफ़ेद अमरूद का बाग लगाया, और उसके साथ साथ हमने नर्सरी का काम किया हिसार सफ़ेद को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को आमदनी को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो सारा सिस्टम हमने जो किया, ये हमने नेचुरल तरीके से किया, मतलब 0 बजट फार्मिंग। इसके लिए इससे हमने कुछ तो मतलब यूट्यूब वगैरह से, या जिस तरह सुभाष पालेकर जी हो गए या त्यागी जी हो गए, उनसे उनके वीडियोस वगैरह देख के उनसे कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए ट्रेनिंग भी ली, हमने दिल्ली से ली, और गाँव में भी ऑर्गेनिक खेती के लिए कैंप लगा था। उससे हमने फिर 0 बजट फार्मिंग स्टार्ट किया। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारा ये 9 एकड़ का पूरा फार्म है, इसमें जिसमें से 6 एकड़ तो बाग है हमारा, 6 एकड़ में से 4 एकड़ तो हिसार सफ़ेद अमरूद का बाग है, और 2 एकड़ में मिश्रित बागवानी है, आड़ू हो गया, एप्पल बेर हो गया, या उसमें नींबू भी है। नींबू की अलग अलग वेराइटी, जैसे गर्मियों के लिए फ्रूटिंग आती है, सर्दियों के लिए आती है, वो अलग अलग वेराइटीज़ है। और इसके साथ साथ हम बाग में क्या करते हैं, सब्जी का काम भी करते हैं, ताकि ऑर्गेनिक सब्जी हमारे साथ के साथ होती रहे बाग में। इससे एक तो आमदनी बढ़ती है, और जो बागवानी पे कहीं खर्चा था हमारा लगभग 0 बजट फार्मिंग में मतलब सुनी हो गया। जो भी सामान हम यूज़ करते हैं वो प्राकृतिक तरीके से बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, वेस्ट डी कम्पोजर है,
या लस्सी के घोल से हम फंगिसाइड दवाई वगैरह तैयार करते हैं। ये सब चीज़ें हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं और ये करते हैं हमें 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। और इससे हमें क्या है, इसके साथ साथ हमने मेन काम किया है कि हिसार सफेदा जो वैरायटी है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने हिसार सफेदा कलम मतलब बीजू पौधे तैयार करके उससे कलम से पौधे तैयार करते हैं वो किसान भाइयों के लिए जो कि जिसको बेचने का काम करते हैं हम। ये काम भी हमने 2016 में स्टार्ट किया था। अब कि पिछली बार हमने स्टार्टिंग में 2016 में जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने 5000 पौधे तैयार किए थे हिसार सफेदा के जो कि किसान भाइयों के मतलब ये क्योंकि पांती गुनिया जो देसी भाषा में कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमने अगले साल पिछली साल जो है 2018 में हमने जुलाई 2018 में हमने 60 से 70 हज़ार पौधे सेल किए हैं और अब की बार हमने हिसार सफेदा को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख पौधे कलम तैयार कर रखी है जो कि जिसमें से 70 हज़ार से बहुत हमारे बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें हिसार सफेदा वैरायटी में एक और क्या खासियत है भाई साहब, ये साल में 9 महीने फल देता है जो कोई भी किसी भी अमरूद में नहीं आता। इसमें साल में 3 बार फ्रूटिंग आती है। अभी आप देख रहे होंगे ये मार्च का एंड है और अप्रैल का स्टार्टिंग महीना आने को है, अब भी इसमें इतनी फ्रूटिंग है जबकि किसी भी अमरूद में जो पहले वैरायटी होती थी जैसे L49 हो गया या L49 या और भी जो वैरायटी होती थी उसमें ये खासियत नहीं थी। इससे हमें क्या है कि इससे हमारी आमदनी बढ़ती है। अब जो ये अमरूद का है जो ये अमरूद लग रहे हैं इनका भाव जो है बाज़ार भाव मतलब 40 रुपये 50 रुपये ये थोक रेट में चलता है जबकि आप जैसे ये और फुटकर में बेचें तो 100 रुपये किलो तक भी हमारा अमरूद जा रहा है। और दूसरी इनको हमें देने के लिए बेचने के लिए बाज़ार में नहीं जाना पड़ता क्योंकि जो चीज़ बाज़ार में नहीं है वो व्यापारी हमारे से अपने आप आके ले जाते हैं। इससे हमें ये भी बेनिफिट हो रहा है। तो टोटल इनकम कितनी है आपकी इस खेती से, जीरो बजट खेती से? पिछले साल जो है 2018 में 2017-18 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने लगभग 50 लाख रुपए से अब हमने इस 9 एकड़ प्लॉट से आमदनी की थी जबकि अब की बार हमारा टारगेट है 1 करोड़ से अब होगा। ये हमें इस 9 एकड़ खेती से 1 करोड़ से जो बडिंग होगी कलम होगी हिसार सफेदा के अलावा हम आड़ू भी जो 5 प्रकार की वैरायटी आड़ू हमारे पास साने पंजाब आड़ू प्रभात चकई आड़ू जो अलग अलग जगह नहीं मिले वो भी तैयार करते हैं। इसके अलावा हम जैसे पपीते की पौध होगी या एप्पल बेर की होगी वो भी करते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे बागवानी में साथ के साथ हमने बागवानी के साथ सब्जी भी की है जो कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से की है, इससे भी हमें आमदनी प्राप्त होती है। तो कोई रासायनिक खाद वगैरह उसमें नहीं डाली जाती बिल्कुल भी? अब हमने पिछले 1.5 साल से तो हमने 9 के 9 प्लाट में रासायनिक खाद बिल्कुल बंद कर दी। सबसे पहले हमने 2016 में जो अमरूद का बाग लगाया था उसमें हमने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से स्टार्ट किया, उसमें रासायनिक खाद इसमें बिल्कुल डाला नहीं। गाय का गोबर जीवामृत वेस्ट डीकम्पोजर या लस्सी की या 10 पत्ती अर्क बोलते हैं जिसको वो उससे स्प्रे किया हमने और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से किया। जो अब की बार हमने 1.5 लाख पौधे तैयार किए अमरूद के उसमें हमने बिल्कुल भी रासायनिक नहीं डाला है, वो पूर्ण रूप से हम प्राकृतिक तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि जो भी किसान भाई लेके जाए यदि वो उसको ऑर्गेनिक करना चाहिए या नेचुरल तरीके से करना चाहे तो उसके लिए कोई दुविधा नहीं आएगी उसके क्योंकि वो पैदे पौधे जो है पहले ही प्राकृतिक रूप से डल चुके होंगे वो पौधे। तो दूसरे किसानों को क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे कि किस तरह की खेती वो करें और जो पुरानी तकनीक है उसमें क्या फ़र्क है? हम सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि जो परंपरागत खेती है जैसे यहाँ पे हमारा एरिया धान गेहूँ उनसे क्या है जैसे लगातार वही बोते रहें तो जो मिट्टी उर्वरा शक्ति है वो भी कमज़ोर होती जा रही है, दूसरा उसमें खर्चे बढ़ते जा रहे हैं तो आमदनी अपने आप कम हो जाएगी। अब यदि कोई ज़मीन जैसे लीज पे ठेके पे लेके करता है तो भी ठेके पे अब 50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पे चल रहा है तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता। इसलिए जो भी किसान भाई चाहे उसके पास 2 एकड़ है 4 एकड़ है ये मिश्रित खेती करे, मिश्रित खेती और उसको भी प्राकृतिक तरीके से करे। एक तो उससे क्या होगा अपना खेती में खर्चा तो आएगा नहीं बिल्कुल जीरो बजट। जैसे गाय का गोबर है गाय हम घर पर रखते हैं, यदि किसान है तो हमें दूध चाहिए दूध वगैरह के लिए हम गाय रखते हैं तो उसके गौमूत्र हो गया गोबर हो गया उसको हम दवाई में भी काम लेते हैं खाद के रूप में भी उसी को तैयार करते हैं। इससे क्या है हमारा खर्चा तो आता नहीं बिल्कुल भी और जो आमदनी होती है वो हमारा नेट प्रॉफिट ही मानो आप, नेट और ग्रोस सब कुछ मतलब उसमें से हमें खर्च नहीं करना पड़ता, इससे हमारी आमदनी बढ़ती है एक तो। और दूसरी हमें मिश्रित खेती में क्या है यदि कोई भी फसल किसी प्राकृतिक आपदा से इस पर नुकसान होगा तो हमें ये बचाएगी, ठीक है सर। तो इससे क्या है कि यदि बाज़ार भाव बाय चांस कभी होता है किसी चीज़ का एक चीज़ का नहीं मिल पाएगा तो मिश्रित खेती से क्या होगा हमें दूसरी का तो मिले ही मिलेगा या तीसरी का मिलेगा,
हम तीन चार प्रकार की एक एकड़ में खेती करेंगे तो उससे हमें किसी न किसी से प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो यदि बाजार भाव नहीं मिलेगा तो भी हमारा वो जो जो हम खेती कर रहे हैं उससे डेढ़ से दो गुना तो होगा ही होगा यदि हमें अच्छा बाजार भाव मिल जाता है। अभी क्या है, ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है पर कोई ऑर्गेनिक करना ही नहीं चाहता या कम कर रहे हैं, डिमांड तो बहुत है, पूरा भी नहीं हो पाता डिमांड। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे हम इसको करेंगे तो इसको बढ़ावा भी मिल रहा है और इससे हमें आमदनी भी ज़्यादा हो रही है और लागत जो हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं उसमें जो खर्चा ज़्यादा है, रासायनिक का कीटनाशक का और पैदावार कम है तो उससे उसमें ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो जो ऑर्गेनिक खेती आधुनिक खेती जो लोग कर रहे हैं मिश्रित खेती उनका मुनाफा ज़्यादा है, ये देख करके हमारे मन में भी यही है कि हम जो ये है ना जो ऑर्गेनिक है और मिश्रित खेती करें। तो कितना आपको वो उससे फ़ायदा होता है और कितना लागत है उसमें? उसमें लागत ज़्यादा ही है, जो पेस्टिसाइड की खेती है जो हम पुराने तरीके से कर रहे हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है, इतनी बचत वाली बात नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट। पेस्टिसाइड वाली बात तो अपने अपने हिसाब से है, लोग तीन तीन कट्टे यूरिया भी डाल रहे हैं, कोई चार भी डाल रहा है, डेढ़ डेढ़ दो दो कट्टे डीएपी तक चढ़ा रखी है। वैसे नॉर्मली एक कट्टा डीएपी और दो कट्टे यूरिया तो इसमें पड़ रही है। तो ज़्यादा जो परंपरागत खेती है उसमें ज़्यादा लाभ नहीं है? नहीं है, उसमें ज़मीन भी कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि हर साल डोज बढ़ानी पड़ती है खाद की। तो अब आप किस तरह की खेती करना चाहते हैं? अब हम ऑर्गेनिक जैविक और मिश्रित खेती करना चाहते हैं।